हेलो एवरीवन, वी विल डिस्कस अबाउट ओशन करेंट्स टुडे। ओशन में एक रीजन से अनदर एक रीजन को वाटर फ्लो करने को हम सामुद्रिक स्रोत और ओशन करेंट्स कहते हैं। ओशन करेंट को हम टेम्परेचर के बेसिस में दो भाग में व्यक्त करते हैं, एक द वार्म करेंट एंड द कोल्ड करेंट, एंड डेप्थ के बेसिस में हम और दो भाग में व्यक्त करते हैं, एक द सरफेस करंट एंड एक द डीप वाटर करंट। जब एक करंट इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ मूव करता है उसे हम वार्म करंट कहते हैं। एग्जांपल फ्लोरिडा करंट एंड गल्फ करंट। फ्लोरिडा करंट ये साउथ अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी में देखा जाता है, और गल्फ करंट, गल्फ करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखा जाता है। जिस करंट के वजह से पोलर रीजन से वाटर इक्वेटोरियल रीजन को आ पाता है उसे हम कोल्ड करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैनरी करंट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया करंट एंड साउथ अटलांटिक ओशन में बेंगुला करंट देखा जाता है। द सरफेस करंट, ये करंट ओशन के ऊपर 400 मीटर गहरे तक देखा जाता है। ये करंट कम डेप्थ तक दिखने के वजह से इसको सरफेस करंट कहा जाता है। एग्जांपल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया करंट एंड अटलांटिक ओशन में कैनरी करंट देखा जाता है। द डीप वाटर करंट, ये करंट ओशन बेसिन में देखा जाता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटी। इस टाइप के करंट वर्ल्ड में 90% कवर करता है। फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक करंट। इस बात के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।